नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू द व्यूअर्स ऑफ पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन. वी आर हियर सेलिब्रेटिंग द 100 इयर्स ऑफ भारत रत्न पंडित रविशंकर जी. टुडे द गेस्ट हु विल बी शेयरिंग हर मेमोरीज ऑफ पंडित रविशंकर जी इज कथक एक्सपोनेंट एंड इज मोस्टली नोन फॉर स्टिम्युलेटिंग द ओल्ड क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नटवारी नृत्य और द रासलीला ऑफ वृंदावन विच लेटर इवॉल्व इन द कथक एंड शी इज पद्मभूषण डॉक्टर उमा शर्मा जी. ऑन बिहाफ ऑफ पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन आई वेलकम डॉक्टर उमा शर्मा जी टू अवर शो. प्रणाम आंटी. नमस्कार. कैसी हैं आंटी? ठीक है. So to talk in the conversation with Dr. Uma Sharma ji is our senior most disciple of Pandit Ravi Shankar ji, Gaurav Majumdar ji. Uma ji, pranam. Pranam. कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक. आप लोगों की कृपा, आप लोगों का प्यार. अच्छा लग रहा है आपको देख के. आप आशीर्वाद करें हम लोगों को. बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हमेशा आशीर्वाद है. आप आई. ये साल एक अजीब साल है क्योंकि मार्च के बाद से पूरा खाली दिल्ली नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व एक अजीब एक माहौल से गुजर रहा है. और इसके बारे में हम थोड़ा, क्योंकि आपने इतना बदलते वक्त को, जमाने को आपने देखा है, आप क्या क्या बोलना चाहेंगी? क्या इसके पीछे मैसेज क्या है? बिकॉज हमको लगता है इसके पीछे नेचर का कुछ हम लोगों को एक मैसेज है कि हम लोग को जो हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको थोड़ी थोड़ा अलग तरीके से हम लोग करें. आप क्या बोलना चाहेंगे उमा जी? मैं यही कहूंगी कि जब भी किसी इस प्रकार की बात होती है तो, और बहुत ये कहना चाहिए कि चारों तरफ इट वॉज नॉट अ बैड एटमोसफेयर, इट वॉज वेरी बैड एटमोसफेयर. और कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा बुरा होने लगता है तब कोई ना कोई अवतार लेकर आता है. तो यहाँ अवतार कोरोना आया, उसने सबको संभलवा दिया. क्या खाना है, क्या पीना है, इतना जगह जाना, इधर उधर जाना. और इसको कहना चाहिए कि वाकई एक लेसन दे दिया सब लोगों को. जी, जी. और मैं समझती हूँ कि अब जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें आर्टिस्ट लोगों के लिए अच्छा नहीं है. खासतौर से मेरी सारी एक्टिविटीज, जैसे महाराष्ट्र लीला का फेस्टिवल, स्वामी हरिदास तानसेन संगीत, मैं बहुत मिस कर रही हूँ. अब बाकी लोगों के साथ जो खराब लोग थे उनके साथ हम भी पिस रहे हैं. अब ओकेशन सारे आर्टिस्ट मैंने फिक्स कर दिए थे. अब देखा जाए तो वो फेस्टिवल इस कोरोना के रहते हुए तो होना बहुत मुश्किल है. सारी कल्चरल एक्टिविटीज आर्टिस्ट ठीक दौर से नहीं गुजर रहे. एक बहुत मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल दौर है इसमें. बहुत मुश्किल दौर है जी. सभी के लिए बहुत बुरा हो रहा है. जी जी. तो आप अब देखिए, ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये विपत्ति हम लोगों के पास से जल्दी हट जाए. जी जी. क्योंकि जिस दौर से सब गुजर रहे हैं इट्स अ वेरी बैड. और विपत्तियां बहुत बढ़ रही हैं, सभी लोग परेशान हैं. जी, जी. लेकिन एक लेसन तो दे दिया कोरोना. जी जी. सबको कुछ सीखना चाहिए. जी. कोई भी ऐसी बात हो उससे कुछ लेसन लेना चाहिए. जी जी. अब ये विपत्ति कब हटेगी ये तो हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं. जी
जी सच में आपने बहुत अच्छा, मतलब आपने कोरोना को एक अवतार बोला, सच में ये हम लोगों को इतना अपने काबू में कर लिया है और हम लोग सब अभी इसके वश में हैं और इससे डर के हमको चलना है और इससे सीख लेना है, जो सबसे सबसे जो जरूरी बात है कि इससे हमको सीखना है ये बहुत। बिल्कुल उमा जी, 200 ये जो साल है 2020, ये एक साल है जिसमें पंडित रविशंकर जी का ये सेंटेनरी ईयर है, तो ये खुशी का भी एक हम लोग सबके लिए माहौल है क्योंकि पंडित जी का 100वां साल है ये, तो पंडित जी के बारे में हमको थोड़ा बताएं, आपका उनके साथ कब से मुलाकात है, आपका कब से उनको जानना है, सुनना है, मिलना जुलना है, इसके बारे में थोड़ा हमारे साथ आप शेयर करें, साझा करें। सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ, सुकन्या जी, अनुष्का और ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मेरा प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं आप लोग, हमारा प्रणाम आपको। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पंडित जी के बारे में बोलने वाली हूँ। पंडित जी से मेरी मुलाकात, सबसे पहले मैं वीरेंद्र शंकर, जो नेव्यू ऑफ पंडित जी, कलकत्ता से ही थे वो, उन्होंने सेटल्ड इन लंदन, उन्होंने ये फेस्टिवल का बीड़ा उठाया और फेस्टिवल को उन्होंने बहुत सुंदर प्रकार से उसको किया, सांस्कृतिक फेस्टिवल। लेकिन 1969 में माई सेल्फ, इंद्रानी रहमान वॉज द लीडर एंड चावेरी सिस्टर्स, दे वर देयर एंड वी वर परफॉर्मिंग एट स्काला थिएटर, आई थिंक फॉर अबाउट 15-20 डेज। ऑन वन ओकेजन आई सॉ पंडित जी कमिंग एंड विटनेसिंग द प्रोग्राम, ही केम एंड सेट डाउन इन द ऑडिटोरियम, फिर कुछ देर रुकने के बाद में, अब ध्यान नहीं मुझे कि हम लोगों से मिले थे कि नहीं मिले, और लेकिन तब मैंने उनको देखा था एंड मैं वाकई आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने कहा ये संत नुमा कौन है, संत जैसे लग रहे थे वो, अभी तक याद है। और फिर वो उनसे ओकेजन हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर जब तब कुछ कार्यक्रम होते रहते थे तो मैं सुनती जरूर थी, बिकॉज आई वॉज अपकमिंग आर्टिस्ट, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इतने बड़े आर्टिस्टों के पास जाऊं, हालांकि आई वॉज टेकिंग ट्रेनिंग विद माई गुरु शंभु महाराज जी ऑफ लखनऊ घराना एंड गुरु सुंदर प्रसाद जी ऑफ जयपुर घराना, भारतीय कला केंद्र में मैं सीख रही थी उनसे, तो मैं उसमें ही बिजी थी। वही आए वीरेंद्र शंकर, उनको किसी ने कहा कि उमा शर्मा है वहां पर, उसको जाके देखो। ही केम एंड आई वॉज प्रैक्टिसिंग एट गुरुजीज सुंदर प्रसाद जीज क्लासरूम, तो वो फिर उन्होंने मेरे से बात करी। पहले तो मैं बहुत डर गई कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं लंदन, कौन है ये, क्या है, मैं नहीं जानती थी वीरेंद्र शंकर को, लेकिन कपिला वायत्सन टोल्ड हिम दैट यू गो एंड सी दिस गर्ल उमा शर्मा। फिर मैं वहां से चली लंदन एंड दैट वाज 1969। फिर उसके बाद बराबर 1970 में तब मेरी खास मुलाकात हुई पंडित जी से, जब वो भी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप देख रहे होंगे उसकी पिक्चर, जॉर्ज हैरिसन पंडित जी ट्यूनिंग कर रहे हैं और मैं बीच में बैठी हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गए था, तो तब मैंने उनको, एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ऐसी पर्सनैलिटी देखने को नहीं मिलेगी, उमा इनको बखूबी देखो, मैं एडमायर कर रही थी। लेकिन हुआ ऐसा
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेरे म्यूजिशियन अभी तक दिल्ली में ही थे, सब वो पहुंचे नहीं थे लंदन। तो जब ये सब हो गया तो मैं कोने में बैठी थी, तो मैं आई वॉज क्राइंग बाय माई सेल्फ कि मैं कैसे करूंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी करना था सिंस माई ओकेजन माई म्यूजिशियंस वर नॉट देयर। सो आई वॉज वेरी सैड। इतने में पंडित जी आए मेरे पास और कहने लगे कि क्या बात है, यू आर लुकिंग वेरी सैड, वॉट इज द प्रॉब्लम। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी, मैंने बड़े डरते हुए बात करी उनसे। मैंने कहा मेरे कलाकार सब दिल्ली में है, मैं कैसे करूंगी डेमोन्स्ट्रेट। तो कहते अरे तुम भी बड़ा कमाल करती हो माँ, मैं हूं ना, चलो तुम क्या करोगी। तो मैंने कहा आपका आशीर्वाद, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतने बड़े कलाकार, मैं तो बहुत छोटी हूँ आपके सामने, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। कहते नहीं नहीं चलो। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं कुछ कर रही थी, तो पंडित जी ने उठाया सितार और लहरा बजाया और राग हेमंत था वो, और वो लहरा मैंने बहुत यूज किया बाद में। तो इतने उनमें एक कंसिडरेशन थी, हालांकि मैं छोटी सी आर्टिस्ट थी, बट उन्होंने ये सोचा कि ये लाचार है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। ही वॉज वर्सेटाइल, ही वॉज वेरी हेल्पफुल एंड ही वॉज वेरी काइंड। सबसे बड़ी बात है कि त्रिगुणमयी, मैंने उनका नाम दिया है। और वो त्रिगुणमयी कैसे हैं कि संगीत वाद्यम नृत्यम तीनों पंडित जी में थे। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ डांसर, और मैंने सुना है कि वो कथक करते थे, कथक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। तो व्हाट अ कोइंसिडेंट कि मैं भी कथक करते हुए उनसे मेरी भेंट हुई, तभी उन्होंने इतनी खूबसूरती से लहरा बजाया। वो अभी तक मैं इंसिडेंट नहीं भूलती। उसके बाद में ये ओकेजन हुआ कि 1970 का, और फिर उसके बाद मैं कई उनके प्रोग्राम मैंने अटेंड किए। मैं तो दौड़ लगाती थी जहां भी वो परफॉर्म करते थे, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनके पास जाऊं उनसे मिलूं। फिर मुझे अच्छी तरह पता है एक बात और हुई थी कि उनमें बड़ी क्वालिटी थी एनकरेज करने की। मैंने स्वामी हरिदास तानसेन मॉडर्न स्कूल में शुरू किया, इत्तफाक से पंडित जी आए और उस दिन आलम खान बजा रहे थे, बरसात पड़ रही थी और शंकरलाल हॉल में खाली, ये समझ लिए मुश्किल से 100 लोग हो गए, बहुत ही कम लोग, और मैं बड़ी उदास थी। तो फिर पंडित जी ने पूछा क्या सोच रही हो तुम। मैंने कहा कि ये स्वामी हरिदास सम्मेलन मेरा ड्रीम है, मैंने इसको शुरू जारी रखना है, पर कोई आता ही नहीं। तो कहने लगे कि देखो हिम्मत मत हारो, यही हॉल एक दिन तुम्हारा खचाखच भरा होगा। और वो उनकी भविष्यवाणी, उनका आशीर्वाद इतना बसा मेरे ऊपर कि वो आज स्वामी हरिदास तानसेन, जहां मुश्किल से 100 लोग भी नहीं थे, 50-40 लोग बैठते थे, वो इतना भरा रहता है कि वहां पे जगह नहीं मिलती, सब आते हैं वहां पे जगह ढूंढते हैं। पर अब हताश है कि वो सम्मेलन इस वर्ष बराबर चल रहा था वो, और आई वॉज
ऑलवेज यूज टू लुक फॉरवर्ड। एक साल पहले मैं सब आर्टिस्ट फिक्स कर लेती थी, सबको जैसे ही वो जा रहे हैं परफॉर्म करके तो मैं उनके पीछे पीछे चल देती थी कि देखिए इस साल फिर से आपको रिपीट करना है, ऐसे मैं कह देती थी। तो कहते उमा जी अभी तो परफॉर्म किया है आप हमारा, अभी तो हमें घर जाने दीजिए। मैंने कहा नहीं घर जाइए पर अपनी डायरी में लिख लेना और मैं आप लोगों को सबको कांटेक्ट करूंगी। तो मतलब इतना बढ़िया चल रहा था, लेकिन देखिए ईश्वर की कृपा होगी फिर वापस आएगा फिर चलेगा, सारी एक्टिविटीज शुरू होंगी। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि पंडित जी वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आई ऑल्सो मेट सुकन्या जी, एवरी टाइम शी यूज टू कम एंड अटेंड द फेस्टिवल, उसमें अनुष्का ने भी बजाया था। मैं आभारी हूँ अनुष्का की, हो सकता है कि वो फिर से आए फेस्टिवल में, मैं उन्हें हमेशा इनवाइट करती हूँ, इतनी टैलेंटेड है वो। पंडित जी ने उनको इतनी खूबसूरत शिक्षा दी है, बहुत अच्छा बजाती हैं। खैर जो भी है, लेकिन सभी इस वक्त कोरोना से घिरे हुए जी, आगे आगे देखिए क्या होता है। पर पंडित जी के लिए मैं एक श्लोक जरूर कहना चाहूंगी और उसमें उनकी पर्सनैलिटी नजर आती है, सरस्वती वंदना या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर 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 प्रभृति भिर्देवै सदा वंदिता आमाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या प्रहा। ये इसमें पंडित जी चारों तरफ से नजर आते हैं मुझे, इसलिए मैंने उनको उनके लिए ये कहा है। और मैं समझती हूँ कि पंडित जी जहां भी हैं अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप अभी भी यहीं पर हैं, आप अभी भी जैसे कि सरस्वती वंदना में वीणा का है पर वही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आप सितार बजा रहे हैं और जहां भी हैं वहां अभी भी बजा रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि पंडित जी इससे वंचित नहीं हो सकते, वो जहां भी हैं अजर अमर हैं और बजा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पंडित जी ने इतनी क्रिएटिविटी कि ये सोचिए कि वाद्य उनकी बंदिशें और वो पोएम लिख भी रहे हैं, इतना वर्सेटाइल आर्टिस्ट। और उसके अलावा पंडित जी की बहुत एक ठुमरिया मैंने यूज करी, जैसे कहाँ गैलवा श्याम सलोने कहाँ गैलवा श्याम सलोने उन बिन मोहे आवत न चैन उन बिन मोहे आवत न चैन आवत न चैन कहाँ गैलवा श्याम सलोने। इस पर मैंने अपनी नीस राधिका से स्वामी हरिदास में उसको नचवाया और साथ में श्री राधा सीरियल मैंने किया था दूरदर्शन के लिए श्री राधा, उसमें मैंने उससे यही ठुमरी
एक मॉन्यूमेंट के सामने, एक मंदिर के सामने करवाई, और वो जब भी श्री राधा आए मैं उसको रिपीट करूंगी, आप देखिएगा पंडित जी की ये। ओकेजनली पंडित जी हमेशा प्रोग्रामों में पहुंचते थे, और जब भी मैं देखती थी उनको तो ऐसा लगता था वो सबको, कलाकारों को आशीर्वाद दे रहे। और ऐसा कलाकार अवतार है जो बड़ी मुश्किल से इस धरती पर आया और चला गया, लेकिन गया नहीं है। उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो तो क्या बताऊं मैं उसके बारे में। इतना गुणी, जिसमें नृत्य भी, लिखना भी, और बंदिशों को लिखना, बनाना, और उसके अलावा खुद तो खैर उन्होंने ऐसा वाद्य ले रखा था हाथ में, उसको लेकर उन्होंने भ्रमण किया, सब विदेशों में गए और कितना बजाया उन्होंने, सब जगह बजाया, और इतना हमारे संगीत को उन्होंने विदेश में फैला दिया। इससे पहले इतना कोई नहीं जानता था। जुगलबंदी पंडित जी ने जुबिन मेहता के साथ शुरू करी। ऐसे आर्टिस्ट, कितनी क्रिएटिविटी, कि जुबिन मेहता जो कि विदेशी कलाकार, और उसको उन्होंने एकदम से लिया, उसके साथ जुगलबंदी कर। उसके पहले कोई इस प्रकार की जुगलबंदी मेरे को नहीं लगता हुई, पर हमने उसके विषय में बहुत सोचा और उससे, पंडित जी से बड़े आइडियाज मिले, क्योंकि नृत्य को भी वो बड़ी बारीकी से देखते थे। खास तौर से मुझसे तो बहुत कहते थे कि उमा ठुमरी भाव दिखाओ, उन्हें बहुत पसंद थी कथक में जो हम लोग ओकेजनली ठुमरी करते थे, जैसे डगर चलता देखो देखो शाम मेरो मन लीनो लीनो डगर 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 चलता देखो 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 देखो। देखिए, ये महाराज जी की शिक्षा थी, इम्प्रोवाइज करना, तरह तरह से कहना, उपजंग। वहीं पर शंभू महाराज जी तो खास थे, जो हमेशा ठुमरी भाव सिखाते थे और ऐसा भाव बताते हुए, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच गुरुज लाइक गुरु सुंदर प्रसाद जी ऑफ जयपुर घराना। उनकी तैयारी, उनकी लयकारी, उनकी पढ़ने बहुत मुश्किल थी, उनसे मैंने बड़े कवित्त सीखे, और वो कवित्त मैंने पंडित जी को भी दिखाए थे कि वृंदावन कुंजन रचो रास आली आली बनमाली निरतत सब सखी दे तारी। इस प्रकार से इतना कुछ सीख के जब मुझे ओकेजन हुआ और मैंने पंडित रविशंकर जी के सामने प्रस्तुति करी, नृत्य की, तो उन्हें, मेरी समझती कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, और वो आशीर्वाद मेरे सिर पर है उनका और सदैव रहेगा। मैं उनकी आभारी रही हूं और आभारी रहूंगी। इसी विषय में मैंने एक अखबार में छोटा सा लेख लिखा था,
मैं उसको जरा आपको पढ़ के सुनाऊंगी जी उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन आपको जी पंडित जी, आप चाहे तो मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं बीच जी में। नहीं हमको अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हैं। खाली उमा जी मैं बता दूं, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुकन्या जी लंदन से नमस्ते बोल रही हैं और वो उनको बोल रहे हैं मेरा नमस्कार प्रणाम। उमा जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो, सेंडिंग सो मच लव फ्रॉम लंदन। एंड इसके अलावा मंजुश्री दीदी हैं, मंजुश्री चैटर्जी वो देख रही हैं, फिर कृष्णा चक्रवर्ती जी हैं, विवेक सिन्हा जी हैं, अजमीर खान हैं, प्राची गंभीर हैं, सो काफी लोग जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, निशा चैटर्जी हैं, राजश्री भट्टाचार्य हैं, सब लोग काफी बहुत मन से जुड़े हुए हैं और आपका सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम कहना चाहती हूँ। आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ सुकन्या जी, ये हमेशा आके स्वामी हरिदास फेस्टिवल में बैठती, वो और मिसेज अमजद अली खान राजू दोनों साथ साथ बैठती थी और बड़ी प्रॉम्प्ट थी कि हर वर्ष आ जाना। खैर अमजद अली तो पार्ट ऑफ स्वामी हरिदास में रहे ही हैं और रहेंगे। कैसे भी मैं चाहती हूँ कि पंडित जी ने मुझे स्वामी हरिदास के लिए आशीर्वाद दिया था, उन्होंने कहा था कि एक दिन ये भरेगा, वो भविष्यवाणी सच हुई उनकी। अब इसके बाद में ये आफत जो हम लोगों के सिर पे मंडरा रही है, मैं इतनी मायूस हूँ कि स्वामी हरिदास नहीं हो पा रहा है, सारी कल्चरल एक्टिविटीज रुकी हुई है, कोई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता। मैं थोड़ा सा आपको ये पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जरूर जरूर जरूर। ये मैंने अखबार में दिया था जी। कि पंडित रविशंकर नृत्य के प्रसिद्ध उदय शंकर के सबसे छोटे भाई थे और 1930 में जब पंडित रविशंकर जी 10 साल के थे, उस समय शंकर जी उसकी ब्रिटेन उनकी विदेश ने गए थे। अगले 7 साल पंडित जी ने पेरिस, यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में समय बिताया और परफॉर्म किया। उदय शंकर जी के बाद वाद्य वृंद को बाबा अलाउद्दीन संभालते रहे और हालांकि पंडित जी ने छोटी सी उम्र में ही नृत्य में नाम कमाया, ये रविशंकर जी, बाबा अलाउद्दीन जी ने उनसे पूछा आखिर तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो। तुरंत भारत लौटने के बाद पंडित जी सब आडंबर छोड़कर बाबा के पास मैहर पहुंच गए, जहां उन्होंने 7 वर्ष तक बाबा से शिक्षा ली और उनके साथ अली अकबर खान साहब और अन्नपूर्णा जी ने भी शिक्षा थी ली। आने वाले वर्षों में पंडित रविशंकर जी ने देश विदेश में प्रसिद्धि पाई और आगे चलकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मेरा निजी संपर्क पंडित जी से 1970 में हुआ, जब ब्रिटेन बीरेन शंकर द्वारा व्यापित सांस्कृतिक फेस्टिवल में पंडित जी और जॉर्ज हैरिसन द्वारा उसका उद्घाटन किया। उसके बाद मैं पंडित जी से ने मुझे नृत्य में कई अवसरों पर दर्शन दिए, मैं उनकी हमेशा आभारी रही हूँ और आभारी हूँ और आभारी रहूंगी। मैं भूल नहीं सकती पंडित जी को,
इतने महान कलाकार, वो एक ही होते हैं, कुछ ही होते हैं जो अवतार लेकर आते हैं। और पंडित जी आए अवतार लेकर, और अब जो भी है तो विधि का विधान है, लेकिन मैं चाहूंगी कि पंडित जी के जितने शागिर्द हैं, शिष्य हैं, इसमें बड़ा मेहनत कर रही है सुकन्या जी। उन्होंने सेंटनरी का भार लिया और सारे शागिर्द जुड़े हैं। कितनी अच्छी बात है ये कि पंडित जी को याद करते हुए सब जुड़े हुए हैं। आज मुझे भी इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज पंडित जी के विषय में जो भी कह सकती हूँ, हिम्मत नहीं होती, अभी भी डरती हूँ उनसे मैं, और कह पा रही। उनका आशीर्वाद सब पर अभी तक मौजूद है और रहेगा। वो जहां भी है आशीर्वाद दे रहे हैं, आज सभी को आशीर्वाद दे रहे होंगे। मैं बेस्ट विशेष, जो उनकी बिटिया है अनुष्का, वो मेहनत कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है और बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। सुकन्या जी की मेहनत सराहनीय है, इतना कर रही है मेहनत। मैं उनसे अभी हाल ही में लंदन में मिली थी और मैंने उनसे कई एक प्रश्न किए, लेकिन जब भी आती हैं वो इधर, शायद वो भी कोरोना की वजह से आई नहीं है, लास्ट ईयर भी क्योंकि इसी में लगी रही थी, मैंने उनसे लंदन में उनको बहुत बिजी देखा था, लेकिन उनसे भेंट हुई थी। उन्होंने जो नया घर बनाया है उसको भी मैंने, उन्होंने दिखाया मुझे, और वो तो अब बहुत एस्टेब्लिश हो गई होगी वहां पर, लेकिन देखिए जल्दी भेंट होगी। हालांकि मैं यही कहना चाहूंगी कि पंडित रविशंकर जी ने एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा जी, जी इन शागिर्दों को मैं कह रही कि जो भी शिक्षा आप लोगों को देकर गए हैं उसको संभाल के रखिए, उसमें खूब मेहनत कीजिए और उसी प्रकार से नाम कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत से आगे बढ़ रहे हैं, पंडित जी का आशीर्वाद सब पर है। देखिए जब तक मेहनत नहीं होती, पंडित जी ने कितनी मेहनत करी, वाद्य वृंद बनाए, आकाशवाणी में भी थे, वहां पर वाद्य वृंद बनाया उन्होंने, बहुत क्रिएटिव, मैं जो कहूं सो थोड़ा है पंडित जी के लिए, वहां पर भी वाद्य वृंद बनाया। उनकी कॉम्पोजिशन पर मैं खास तौर से, मैंने उनकी कॉम्पोजिशन बहुत संभाल के ली है, उनसे इजाजत तो नहीं ली पर ले ली, क्योंकि मैंने सोचा कि पंडित जी को अच्छा ही लगेगा, वो बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। डरते डरते मैंने उनकी कुमरी को किया भी, और जो मेरी पट शिष्य है राधिका, मेरी नीस है, उससे भी मैंने यही ठुमरी करवाई स्वामी हरदास में, कहा कहलवा श्याम सलोने, बहुत सुंदर लिखी है उन्होंने, इसपे तो बड़ी देर तक अभिनय हो सकता है, बहुत देर तक, लेकिन मिस करती हूँ बहुत, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ऐसे कलाकार, हमारे उच्च कोटि के कलाकार जब साथ छोड़ जाते हैं। बहुत से अभी हमारे उच्च कोटि के कलाकार जो बार बार स्वामी हरदास में आते हैं, मैं उनको हमेशा सराहती हूँ। अमजद अली खान हैं, उनके बेटे हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी, और इसी प्रकार विश्व मोहन भट्ट, सब पंडित जी से जुड़े हुए, और मैं आभारी हुआ कहीं सुकन्या जी की कि जब भी वो आती फेस्टिवल को देखती। पंडित जी भी आए थे और इत्तेफाक की बात है उस दिन नेचर ने भी
बरसात कर रखी थी और अंदर ये प्रोग्राम चल रहा था। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया मैं भूलती नहीं। उनकी आत्मा अभी भी स्वामी हरिदास से जुड़ी हुई। बाबा अली अकबर खान साहब से भी मेरी भेंट हुई। मैं कनाडा में, अमेरिका में मैं गई थी उनके घर पे। ये सब लोग से मेरी भेंट हुई। एक बार अन्नपूर्णा जी के पास भी डॉक्टर विनय भरत राम जा रहे थे तो मैं उनके साथ में गई, उनके भी मैंने दर्शन किए। उसके बाद में फिर मैंने दर्शन बराबर करती रही। सुकन्या जी जब भी आती हैं दिल्ली आती हैं और बड़े प्रेम से मिलती हैं। मैं इन सब लोगों को सराहती हूँ, इनसे शिक्षा ग्रहण करती और आशा रखती हूँ कि ये उनकी शिक्षा मैं आगे जाके बच्चों में भी, जिनको मैं सिखाती हूँ, मेरा विद्यालय भारतीय संगीत सदन के नाम से खुला हुआ है और मैं पंडित जी के ही आशीर्वाद से, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनकी क्रिएटिविटी, किस तरीके से वो लिखते भी थे और उसके बाद वाद्य वृंद ऐसे बनाते थे और कितनी मेहनत करते थे। मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं, मैंने उनकी एक फिल्म यात्रा भी देखी। वो फिल्म को मैंने बार बार देखा, कई बार मुझसे कोई ले गया उस वीडियो को, अब मेरे पास में नहीं है मौजूद, लेकिन मैं पंडित जी को सराहती रही, दूर से उनसे आशीर्वाद लेती रही, चाहे मेरी भेंट हुई। लेकिन उनमें एक गुण था, बड़े प्यार से मिलते थे और ऐसा लगता था कि मनो आशीर्वाद दे रहे। ये मैंने 1970 में फील किया, हालांकि मैं तो इतनी बड़ी उत्सुक थी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जो वो ओकेजन हुआ, जो उन्होंने मेरे साथ बजाया, महान व्यक्ति, महान कलाकार सितार लेकर बैठ गए, ये कौन करेगा ऐसा। लेकिन मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे कि पंडित रविशंकर जी ने बजाया, उससे पहले अमजद अली खान ने भी मेरी कुछ कॉम्पोजिशन की थी, मेरे साथ बजाए, अच्छे अच्छे कलाकार मेरे साथ में जुड़े। और मैं सबको अभी तक जब भी आते हैं सबको संभाल के रखती हूँ और सबको सराहती हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि पंडित जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद स्वामी हरिदास में मौजूद है, जल्दी ही आएगा और सब आशीर्वाद उनका सब आर्टिस्टों को मिलता है। और कुछ आप प्रश्न यदि मुझसे पूछना चाहते हैं तो अवश्य। हमको बहुत बहुत अच्छा लगा, आप हम सबको आशीर्वाद करिए और हमको आशीर्वाद ये दीजिए कि हम लोग में शक्ति हो, ऐसे एक समय जो अभी एक समय से हम लोग गुजर रहे हैं इसको सामना करके इसमें से निकल के आगे आने का। और मैं ये समझती हूँ कि पंडित जी अभी भी आशीर्वाद दे रहे हैं जी, जल्दी ये विपत्ति हटेगी जी जी, मुझे जी, लगता है ऐसा जी जी। वो हमारे साथ में ही है, हमारे पास है, हमारे साथ में है, हमको आशीर्वाद बिल्कुल है, सबको बिल्कुल है, जा भी है वो आशीर्वाद सबको दे रहे हैं जी। उमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने का, हमारा प्रणाम आपको और हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे। नमस्कार। जरूर अवश्य बिल्कुल। नमस्कार आंटी। नमस्कार। आप इतना अच्छा, नमस्कार खान की, इतना अच्छा कुछ बोला पंडित जी के बारे में, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। जाने से पहले आप सब लोगों को जब भी स्वामी हरिदास तानसेन हो आप सब आमंत्रित हैं, जरूर अवश्य पधारें सब लोग, जरूर बिल्कुल, बिकम पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, जरूर आएंगे जी जी। Yeah, you're sure we will be.
And thank you so much for coming to our show. Thank you, Varada, for joining us from Spain. Taking the conversation. And to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, next week we will be once again here at 8 p.m. with another eminent personalities who will be sharing their memories of Panditji. Till then, good night and be safe. Good night to all. Pranam.